अच्छा मोहित, एक मोहित को बताता हूँ, वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना वो कुछ छोड़ता है, मैं को बता रहा हूँ वहां पर बेसिकली क्या है, जैसे वो भी जॉब करता है, जॉब में तेरे साथ एक दिक्कत क्या होती होगी कि अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से कहीं जा सकता, गलत तो नहीं करा। बेसिकली जो मैं तुमको वर्क बता रहा हूँ वो तुम जॉब के साथ कर सकते हैं, सैटरडे संडे का टाइम मिल गया, संडे संडे का। बेसिकली वर्क क्या, आईटी सेक्टर में वर्क है, एजुकेशन प्रमोटिंग वर्क है इन द फील्ड ऑफ आईटी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नॉर्मली वर्क है, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है। अगर तुझे करना हो और अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस है तो चाहता है कि यार जॉब से अलग करो, उसके लिए अगर कॉल करके देख। मोहित ने देखो क्या बताया क्या नहीं बताया वो तो मैं जानता नहीं, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, ऐसा तो मुझे कॉल करके मैं तुमको बता, सिर्फ नंबर लिया और धन्यवाद, क्लियर। अब जब कॉल आएगा तब के तब उससे हैंडल करेंगे, अभी पहले मेरी इन्वाइटी तो करना है। अब इसमें एक तरीका और आता है, दो दोस्त मिलकर इन्वाइटी कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए योगिंदर जी अपना दोस्त है और हम श्याम सुंदर जी को इन्वाइट करने थे, हमारे दोस्त है। अब हमारी दोनों की आपस में ना मेरी और श्याम सुंदर जी की बनती है, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे तो बहुत अच्छी बनती है, समझना, ठीक है, इनकी और मेरी बनती है। मैंने क्या बोला यार इनको इनवाइट करना है, दो दोस्त आपस में मिलकर तीसरे को कैसे इनवाइट करेंगे। मैंने इनसे बोला कि आप पॉजिटिव बोलना और मैं क्या बोलूंगा नेगेटिव। अब आप गए शांत भाई और भाई शांत भाई क्या हाल है, सब बढ़िया भाई और क्या कर रहा है भाई, अच्छा मजे ले रहे। अच्छा अब ये बोलेंगे अरे यार गौरव इनको भी बता दे भाई, इसको बता दे मुझे काम स्टार्ट करा है, भाई इसको बताना है वो काम स्टार्ट करा, भाई इसे मत बता ये कुछ नहीं करेगा, तुमको पता है जिंदगी में इसकी वैसी मजे लेने के लिए है, कुछ नहीं करने वाला, इसको मत कर भाई, इतनी करना भाई से मत करा, ना ना रहने दे भाई, तो रही से मत बताइए भाई, इसे मत बताइए, तो बता रहा क्योंकि ये ना मजे लेने वाला है और वहां पे धंधे बंदे चाहिए इसकी जिंदगी, इसको तो इसे करवाने मैं नहीं करवाऊंगा, बस सिलेक्शन मत करिए इसका, चल ठीक। अब क्लियर हुआ, मैंने कहा अब ये थोड़ा ऐसा कर काम है जो मुझे नहीं बता रहा उसे बताया जा रहा है, क्लियर हुआ, ऐसे कर सकते हो, ये भी इनवाइट करने का तरीका है। अब एक तरीके इसमें और निकलते, जैसे मान लीजिए अभी मैं बाहर का बताता हूँ, मैं अभी बाहर में बैठा हूँ, आप सबके अंदर आ गए, दूर से पहले तो नजर डालनी बहुत जरूरी है। चार लड़कियां थी सामने से आती, मैंने देखा और रणदीप भाई, मैंने सोचा पहले हमारी ही की होगी, वो लड़कियां नीचे ही वेट कर रही है अभी आपका, रिया वो फोन कर रही है, आप उठा नहीं देते, तभी वो नीचे मुझे बुलाया था। तो उनका क्या है, वो चार लड़कियां थी, रोहित जी के सामने की बात है, मैं गया चार लड़कियां सामने से आती। अब मैंने कहा यार कार्ड तो है नहीं, कार्ड मेरे पास वाकई में नहीं है, मैं जैसी कॉपी निकाली मैंने कहा मैम अगर एक्सक्यूज मी मैम, अगर कोई आपको पार्ट टाइम वर्क या करियर से रिलेटेड कुछ करना हो ना तो मेरे हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज है जहाँ पर आप पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ इनकम कर सकते हो। तो चारों लड़कियां बीए फर्स्ट ईयर में करती है और सरिता बिहार में रहती है। अब चारों का मुझे नंबर मिला, मैं अगले संडे देखना, इस संडे नहीं अगले संडे चारों को बुला लूंगा एक एक तरह, देखना सरिता बिहार में अगले हफ्ते पक्की टीवी स्टार्ट है, अगले से अगले हफ्ते गारंटी। सोचो ये क्या है, ये इसलिए है क्योंकि मुझे क्लियर है कि मुझे इनवाइटिंग करने से क्या मिलेगा और बोनस से मुझे क्या मिलेगा। और बहुत सारे लोग इसमें कतराते हैं, लोग यार सिगरेट क्यों बेचता है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपको थोड़ा फील होगा, जो रोहित सर है इनके फादर की शॉप है दौलतपुर में, इनके फादर वो है क्या नाम है तंबाकू सिगरेट बीड़ी ये सारी चीजें इनकी बिकती है, तो क्या इनके फादर किसी रिकमेंड नहीं करते होंगे, करते होंगे ऑब्वियसली बात है, जबकि तंबाकू सिगरेट बेचने से क्या होता है कैंसर, बट उनका वो प्रोफेशन है बिजनेस है, इसलिए उनको पता है अगर मैं ये नहीं बेचूंगा तो मेरे घर में क्या नहीं आएगी इनकम, और उसको मैं इसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एजुकेशन प्रमोट कर रहा हूँ, हेल्थ प्रमोट कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं कर सकता अच्छे लेवल पे, ये सुनो क्लियर हो। अब देखो इसी एक और तरीका कैसे है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, दो से तीन हम चारों दोस्त हैं आपस में और मैं अकेला इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ श्याम सुंदर जी को, राइट, कभी भी ऐसा मत करना, तीनों को आपस में एक साथ इन्वाइट मत करना, या तो इनको साइड में भाई श्याम सुंदर मैं तुमको एक ऐसा वर्क बताऊंगा जहां तो मैं आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बना सकते हैं, आप थोड़ा साइड में चलकर आराम से बात करें, एक साथ बात मत करना, राइट। अब इसी चीज में देखो कैसे इन्वाइट करना है, एक और अननोन को इन्वाइट करने का तरीका कैसे है, अननोन को कैसे इन्वाइट करना, मान लीजिए जोगिंदर जी, जोगिंदर जी मुझे रास्ते में कहीं जा रहे थे और जोगिंदर जी से इनसे मेरी बात नहीं हो पा रही, ये इधर से आ रहे हैं और मैं इधर से जा रहा, नॉर्मली बात कर लो, मैं आ रहा हूँ जैसे नॉर्मली जानता नहीं हूँ, अरे सर ये एक मिनट भैया यहाँ से दोनों को कौन सी मिल जाती है, अच्छा आप दिखा नहीं देते, अच्छा वैसे आप क्या करते हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा वैसे मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैंने पूछ लिया जस्ट, आप बुरा तो लगा था ही नहीं,
अच्छा वैसे मेरा नाम गौरव मैं बालक से रहता हूँ, इधर रास्ता नहीं बता रहा मैं, इसलिए चलो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये वैसे अगर आपको कोई पार्ट टाइम वर्क करना हो कुछ इनकम से रिलेटेड एक्स्ट्रा इनकम से, आईटी सेक्टर में एजुकेशन कंप्यूटिंग वर्क है, बस ये है कि उन लोगों के लिए बेसिकली जॉब के साथ कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जिस जॉब को आप कर रहे हो उसमें सब खर्चे पूरे हो रहे हैं, सपने वो नहीं रहे, तो आप ऐसा करना अगर आपको करना है हाँ मेरे कार्ड क्लियर हुआ कार्ड पकड़ा दिया करे या ना करे वो बाद की बात है, पहले मैं इनवाइट तो करूं, क्लियर हुआ। अब देखो इसी में एक और तरीका आता है, साइज ही रहा, अब ये साइज नहीं है राइट, अब ये मुझे क्या मिले कैसे बताऊं, हाँ ये मोमोस खा रहे हैं, मोमो सबसे ज्यादा खाते हैं ना, ये मोमोस खा रहे हैं, मैं देख लिया दूर से ही वहां दुकान पर खड़े हुए खा रहे मोमोस, अब पहले चेक करना चाहे 10 रुपए हो, देखो ज्यादा मत खाना फिर खराब हुआ, 10 रुपए निकाले और जाना मोमोज के प्लेट लेना, 10 रुपए भी लेना और आराम आराम से खाने राइट। अब बहाना ढूंढना है बात करने का, बात करने का क्या ढूंढना है, मोमोज हर जगह लगते हैं ऐसा नहीं कहीं लगते, हमने मोमोज के मोमोज लिए जैसे खाए ना थोड़ा सा बहुत मिर्ची हो रही है ना, आप भी पहले खा चुके थे यहाँ पर या भाई पहले बताएगा जितनी मिर्ची है जितना ही नहीं मेरे को पता है। अच्छा वैसे आप यही रहते हो, मैंने वैसे बेसिकली इसलिए पूछा आप क्या छोटे टॉपिक के डेली मोमोस खाने आते हो यार यहाँ पे है, अच्छा डेली नहीं, अच्छा वैसे बेसिकली मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ से आप अपनी डेली लाइफ के साथ साथ एक इनकम भी कर सकते हो प्लस अपनी एजुकेशन को भी डेली कर सकते हो, जैसे अभी आराम से डेली मोमोस खाते हो, डेली इसलिए नहीं खाते हो अगर घरवाल देते नहीं, बट मेरे पास ऐसा प्रोग्राम है जहाँ अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी इनकम भी कर सकते हो प्लस अपनी बिना स्टडी को डिस्टर्ब कर अपना करियर भी बना सकते हो और डेली मोमोस खा सकते हो। काम बेसिकली है एजुकेशन प्रमोटिंग वर्क है, सैटरडे संडे या संडे टू संडे के बेस पे आप कर सकते हो, अगर आपको डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरा कार्ड रखो मेरे से कांटेक्ट करना, ठीक है भाई, तो मेरे मोमोस करता हूं चलता हूं भाई ऐसे इनवाइटिंग, क्लियर होगा, क्लियर होगा कुछ किस तरीके से करना। आप देखो ज्यादा डर लगता है लड़कों को लड़की इन्वाइट करने, पहली चीज तो ध्यान रखना लड़की को इन्वाइट कर देना ड्रेसअप बहुत जरूरी है, मैं पहले डरता था आप नहीं डरता किसी लड़की को इन्वाइट करने, कैसे पहले चीज तो मान लीजिए किसी लड़की से आपने बात करी पहले बोलना मैम आप जॉब करते हो, अगर उसने नजर यूं कर ले तो समझ जाना वो आपसे बात करने के इच्छुक नहीं है, वो आपको गलत समझ रही है, उसी टाइम बोल दो दीदी आप जॉब करते हो, वो आपसे कंफर्टेबल हो जाएगी बात करें, चाहे आपने दीदी बोल दिया तो आपसे कंफर्टेबली बात करेगी कि हाँ जी मैं जॉब करती हूँ मैं इस तरीके से करती हूँ। अब मौका ढूंढना है, इसमें भी कई लोग वो बोलना थोड़ी कॉमन सेंस लगाए, पता लगे 22 साल का वो है वो 16 साल के को बोल रहे दीदी आप जॉब करना, नहीं इसमें थोड़ा दिमाग वो कान पे देगी खींच के, अब किसी लड़की को आंटी भी बनता है ना, ना लड़कियां बहुत दिल्ली आंटी थी, मैं जहाँ दुकान पे काम करता था तो क्या पता नहीं क्या लड़की से छत्तीस काम करना पहले से ही है पता नहीं ऐसा क्यों, अब वो एक लड़की रोज आती थी छोटू ये दियो छोटा वो दियो यार, अब हाँ छोटे मेरे को बड़ा चिड़ लगती छोटू, मैंने एक बोल दिया आंटी दे रहा हूँ वो भाई सौ ऐसी दिल से तुम्हारा दुकान पे सोचो, बट आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है किसी को बुरा भी लगे, क्योंकि इनवाइट करना है ना, अब इनवाइट करोगे तभी तो, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है झूठ बोलकर किसी को भी इनवाइट नहीं करना है, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो वो आपको रॉन्ग इन्विटेशन जाएगा और आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, तो चाहूंगा एक बार जोरों तारीफ इन सभी के लिए।